हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा डीसी कंप्रेसर आता है फ्रिज में, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे ये फ्रिज का कंप्रेसर है और ये सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है और ये डीसी कंप्रेसर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और वो कैसे काम करता है, आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फ्रिज का कंप्रेसर है और ये डीसी कंप्रेसर है। देखिए कितना छोटा है। इसको हम लोगों ने कटिंग कर दिया है और कटिंग करने के बाद अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो इसको हम ऊपर से हटा लेते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है। ये हमने देखिए साइड में कर दिया, पूरा क्लीन है, ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं और ये देखिए इसके अंदर क्या क्या लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये वाइंडिंग लगा हुआ है और ये जो टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग वायर लगाते हैं, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है, ठीक है। इसको जो है हम लोग निकाल लेते हैं, ये देखिए अभी निकल गया ये। देखिए यही कनेक्टर जो है इस टर्मिनल में लगा हुआ होता है और यहाँ से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट वाइंडिंग में जाता है, ठीक है। तो हमारा वाइंडिंग चालू हो जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा डिस्चार्ज पाइप है जहां से हमारा गैस फेंकता है और यहाँ से होते हुए ये पाइप के रास्ते से होते हुए यहाँ पे देखिए हमने कटिंग करके निकाल दिया है, ठीक है। ये इसमें ज्वाइन था और यहाँ से ये जाकर के यहाँ से निकला हुआ और यहाँ से डिस्चार्ज करता है और ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। अब इसका पिस्टन किस तरीके से काम करता है, गैस किस तरीके से फेंकता है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये जो है पिस्टन है, ठीक है। देख रहे पिस्टन, यही जो है हमारा गैस फेंकता है और खींचता है। तो यहाँ पे अब ये खींचता कैसे है, देखिए इसके अंदर जो है एक मोटर लगा हुआ है। अब यही मोटर जो है जब चलता है, जैसे आपके जो फैन मोटर होता है, तो फैन मोटर जब चलता है तो उसका रोटर भी साथ में चलता है, इसके लिए ब्लेड घूमता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी एक रोटर है और रोटर में पिस्टन हमारा कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जब चलेगा ऐसा, देखिए यहाँ पे आया खींच के और यहाँ पे जैसे इधर घूमेगा वैसे वो आगे की तरफ जाएगा, ये देखिए आगे की तरफ अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, खींचता है और फेंकता है, खींचता है फेंकता है, ठीक है। तो जब खींचेगा तो यहाँ से हमारा देखिए नीचे प्लास्टिक लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा शक करता है और जब फेंकता है तो वो सेक्शन जो है बंद हो जाता है और डिस्चार्ज की तरफ से बाहर निकल आता है, ठीक है। बाहर निकल के यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है। अब चलिए इसको हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है चार स्प्रिंग पे है, ये देखिए ये हमारा निकल चुका है, ठीक है। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार स्प्रिंग है, ये चारों स्प्रिंग पे ही ये जो है पूरा मोटर फिट रहता है, मतलब वहां पे रखा रहता है। जब भी आप देखो हम लोग कंप्रेसर जब लेकर के कहीं पे जाना रहता है तो वो हिलता रहता है, वो हिलता इसीलिए क्योंकि ये स्प्रिंग के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा आवाज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज है जो कि हमने बताया पहले कि ये पाइप जो लगा हुआ है, ये वाला, ये जो स्प्रिंग वाला पाइप है, यही पाइप ये डिस्चार्ज में लगा हुआ था और यहाँ से डिस्चार्ज करता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये देखिए पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए सेक्शन पूरा खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ से सेक्शन पाइप आया है और यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि जो गैस होता है वो इसी के बॉडी में ही रहता है गैस, ठीक है, जो सेक्शन खींचता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग गैस चार्जिंग जहां से करते हैं, यहाँ पे भी देखिए पूरा खुला हुआ है। हम लोग यहाँ से गैस डालते हैं, यहाँ से डालिए या यहाँ से डालिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। क्योंकि इसका काम है गैस शक करना और इसका काम है फेंकना, ठीक है। यहाँ से गैस शक करता है, यहाँ पाइप के रास्ते से यहाँ से फेंक देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर सेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हम लोग मोटर समझ लेते हैं। ये देखिए ये मोटर है, यही वो मोटर है जो जैसे कि आप फैन मोटर में भी देखेंगे तो उसका रोटर लगा रहता है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी एक रोटर रहता है, ये देखिए ये है, ठीक है। अब ये जो है ऐसे जब मोटर हमारा स्टार्ट होगा तो ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए जब वो नीचे का हिस्सा चलेगा तो ये भी चलेगा, ठीक है। अब इसी में जो है वो रोटर को फिट कर दिया गया, ये रोटर को फिट कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए ये चल रहा है। अब ये शक कहां से करता है और फेंकता कहां से, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लगा होता है प्लास्टिक और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल है, इसके अंदर भी एक फिल्टर होता है, यहां से जो है शक करता है, ये देखिए यहाँ पे होल है और यहां से आकर के यहां से खींचता है, ठीक है। तो कंप्रेसर के अंदर थोड़ा भी अगर कचरा रहता है तो यहां से खींचता है, तो यहां से फिल्टर वाइज हो जाता है, मतलब जो फिल्टर यहाँ पे लगे हुए अंदर साइड में वो फिल्टर से होकर के फ्रेश जो गैस होता है वो इधर से हेड के अंदर आता है।
जब भी हमारा सेक्शन से यहाँ से शक करता है तो इसके अंदर जो गैस के अंदर मान लीजिए कॉम्प्रेसर से किधर से भी अगर कचरा थोड़ा बहुत चला गया तो इसके अंदर फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर से जब होकर के जब गैस इसके अंदर आता है तो जब ये खींचता है, मान लीजिए ये यहाँ पे अभी ये खींच के रखा है, मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये चल रहा है ठीक है, अब ये खींचा, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से एयर ये खींच लेता है ठीक है, गैस खींच लेता है, अब जैसे ही ये फेंकेगा, जैसे ये फेंकेगा देखिए अंदर पिस्टन गया ठीक है, अब जब पिस्टन अंदर जाता है तो ये हिस्सा जो है ऐसा ब्लॉक हो जाता है ठीक है, और डिस्चार्ज का हिस्सा खुल जाता है ठीक है, और जैसे ही फिर खींचेगा तो डिस्चार्ज वाला जो है ये हिस्सा खुल जाएगा खींचने के लिए, और जब फेंकेगा तो ये हिस्सा बंद हो जाएगा और डिस्चार्ज की तरफ से फेंक देता है ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हेड काम करता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन वायर लगा हुआ है, यही तीनों वायर इस कनेक्टर में कनेक्ट है और यही कनेक्टर जा करके इस टर्मिनल में लग जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे इधर तीन पिन निकला हुआ है, जैसे इधर तीन पिन निकला हुआ है उसी तरीके से अंदर भी तीन पिन निकला हुआ है ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन पिन निकला हुआ है, इसी में कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से जो है अपना सप्लाई देके इसको चालू कर सकते हैं ठीक है। अब इसी के अंदर जो है ऑयल भी रहता है, देखिए ऑयल जो रखा हुआ है इसी बॉडी के अंदर ही रहता है ठीक है। ऑयल जब हमारा कम हो जाता है तब ये जो है पिस्टन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इसके लिए जो है ये कॉम्प्रेसर ज्यादातर देखेंगे तो जाम हो जाता है ठीक है, ज्यादातर जाम हो जाता है। ये जो पिस्टन आपका चल रहा है, ये भी देखिए ये चल रहा है, ये जो है जाम हो जाता है, जब जाम हो जाता है तो हमारा कॉम्प्रेसर नहीं चलता है ठीक है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें लगे होते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।